स्टार्टिंग सीन में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम कैसी होता है, जो कि जंगल में भाग रही होती है। फिर वो वहाँ से निकल कर एक गैस स्टेशन पर जाती है। वो गैस स्टेशन वीरान और पूरी तरह बर्बाद हो चुका था और वहाँ पर कैसी के अलावा और कोई भी नहीं था। कैसी वहाँ पर बची हुई सारी चीजें अपने बैग में डाल लेती है, लेकिन तभी उसे एक आदमी के चिल्लाने की आवाज आती है और वो आदमी हेल्प के लिए चिल्ला रहा था। कैसी जब उस आदमी के पास पहुँचती है तो वो देखती है कि वो तो इंजर्ड है और उस आदमी के हाथ में गन भी है और कैसी के हाथ में भी गन होती है, इसीलिए वो दोनों अपनी अपनी गन्स एक दूसरे पर तान देते हैं। उस आदमी ने अपना दूसरा हाथ जैकेट में छुपाया हुआ था जहाँ से कैसी को कुछ चमकता हुआ दिखाई दे रहा था, इसीलिए कैसी को उस आदमी पर डाउट होता है, जिसकी वजह से कैसी डर जाती है और खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए वो उस आदमी को शूट करके मार डालती है। बाद में कैसी देखती है कि वो आदमी अपना क्रॉस वाला नेकलेस छुपा रहा था। ये देखकर कैसी को बहुत दुख होता है और पछतावा भी कि उसने शक की बुनियाद पर एक बेकसूर इंसान को मार डाला। इसके बाद कैसी अपने पास में चली जाती है और अपनी कहानी सुनाने लगती है, जहाँ पर हम कैसी को देखते हैं जो एक पार्टी में थी और वो अपनी फ्रेंड्स के साथ पार्टी एंजॉय कर रही थी, जहाँ पर कैसी अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ बातें कर रही होती है और वो अपनी बातों में अपने करीबी फ्रेंड बेन को डिस्कस कर रही होती है। कैसी उसके बाद अपने फ्रेंड बेन से बात भी करती है। अगले दिन स्कूल में कैसी को उसकी फ्रेंड एक वीडियो दिखाती है जो कि ब्लर होती है। इसके बाद कैसी घर आ जाती है और न्यूज़ देखती है टीवी पर, जहाँ पर उसे पता चलता है कि एलियंस का स्पेसशिप जमीन पर आया है और उन्हें कोई और नहीं बल्कि जमीन पर रहने वाले लोग ही ट्रेन कर रहे हैं और इंसानों ने इन एलियंस का नाम दी अदर्स रखा है। इसके बाद वो एलियंस यानी दी अदर्स अपनी फर्स्ट वेव रिलीज करते हैं और वो एक रेडिएशन वेव थी, जिसके रिलीज होते ही पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिसिटी डैमेज हो गई, जहाँ पर गाड़ियाँ मोबाइल्स और हर इलेक्ट्रिक चीज ने काम करना छोड़ दिया और ये चेंजिंग देखकर लोग बहुत ज्यादा डर गए, इसीलिए उन्होंने ये जगह छोड़कर बड़े सिटीज की तरफ मूव कर लिया। फिर एक दिन कैसी और उसका भाई पानी भर रहे होते हैं कि तभी सेकंड वेव भी रिलीज हो जाती है, जिसमें उन एलियंस यानी दी अदर्स ने पूरी दुनिया के सिस्टम को चेंज कर दिया, जिसका साइड इफेक्ट ये होता है कि अर्थक्वेक और समुद्री तूफान। उस समुद्री तूफान से बचने के लिए कैसी अपने भाई को लेकर ट्री पर चढ़ जाती है, जिससे वो दोनों पानी में बहकर मरने से बच जाते हैं, लेकिन इस वजह से उनकी सिटी के साथ साथ पूरी दुनिया में काफी तबाही होती है। इसके फौरन बाद दी अदर्स थर्ड वेव भी रिलीज कर देते हैं, जिसमें वो खतरनाक वायरस को रिलीज करते हैं और इस वायरस को बर्ड्स के जरिए पूरी दुनिया में फैला दिया जाता है। इस वेव की वजह से कैसी की मदर की डेथ हो गई थी, क्योंकि वो एक डॉक्टर थी। फिर कैसी का फादर अपने बच्चों को लेकर एक कैंप में चला जाता है, जहाँ पर बहुत सारे टेंट्स लगाए गए थे, क्योंकि जितने भी सर्वाइवर्स थे वो यहाँ पर आकर रह रहे थे। फिर एक रात कैसी के फादर उसे एक गन देते हैं, ये कहते हुए कि बेटा जब इसकी जरूरत पड़े तो इसे यूज कर लेना, क्योंकि अब दुनिया में कोई भी ऐसी जगह नहीं बची जो कि सेफ हो, हर जगह पर खतरा है। और फिर कुछ दिन बाद वहाँ पर आर्मी ऑफिसर्स आते हैं और कर्नल अनाउंस करता है कि आप लोगों को फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आर्मी आप लोगों को सेफ करने के लिए आ गई है, क्योंकि हम आप लोगों को एक ऐसी जगह पर ले जाने वाले हैं जो कि बिल्कुल सेफ है। सबसे पहले आर्मी अपने साथ बच्चों को ले जा रही होती है, लेकिन कैसी के भाई का बैग कैंप में ही रह जाता है, इसीलिए कैसी उसका बैग लेने कैंप में जाती है और वहीं पर ही रह जाती है। और यहाँ पर कैसी और उसका भाई अलग अलग हो जाते हैं। फिर उन सब बच्चों के जाने के बाद आर्मी वहाँ के सारे लोगों को इकट्ठा करती है। आर्मी उन्हें बताती है कि फोर्थ वेव भी आ गई है, जिसमें दी अदर्स इंसानों को पोजेस कर रहे हैं और पोजेस होने के बाद इंसान ही एक दूसरे को मार रहे हैं। वो कहते हैं कि बच्चों में तो काफी आसान है ये आइडेंटिफाई करना कि कौन इंसान है और कौन दी अदर्स, लेकिन बड़े लोगों में ये आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता कि कौन इंसान है और कौन दी अदर्स। ये बात सुनकर वहाँ पर मौजूद सारे लोग गुस्से में आ जाते हैं और आर्मी से मांग कर देते हैं कि हमें हमारे बच्चों से मिलवाया जाए, और वहाँ पर अफरा तफरी मच जाती है, लड़ाइयाँ होने लगती हैं वहाँ पर, लेकिन एंड पर आर्मी उन सारे सर्वाइवर्स को मार डालती है, कुछ देख लेती है। तब कैसी के फादर उसे कहते हैं कि बेटा यहाँ से भाग जाओ, और फिर जब आर्मी वहाँ से चली जाती है तब कैसी अपने फादर के पास आती है और अपने फादर को मरा हुआ देखकर कैसी बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और अब वो ये बात डिसाइड करती है कि चाहे जो भी हो जाए मैं अपने भाई को तो बचा कर रहूंगी। तभी वो वहाँ से एक गन लेती है और आर्मी यूनिट की तरफ भागती है। चलते चलते वो उस गैस स्टेशन के पास आ जाती है जहाँ पर वो मूवी की स्टार्ट में भी गई थी। फिर आर्मी हर जगह से बच्चों को कलेक्ट करके एक सेफ जगह पर ले जा रही थी। वो लोग सारे बच्चों को एक एक टोकन देते हैं और बाद में उन बच्चों का चेकअप करने के लिए उन्हें अंदर भेजा जाता है। और तभी उन बच्चों में बारी आती है कैसी के फ्रेंड यानी बेन की, और जब बेन अंदर जाता है तो डॉक्टर उसे बताती है कि दी अदर्स इंसानों का रूप लेकर इंसानों पर ही अटैक कर रहे हैं और इसीलिए आर्मी को उन सब बच्चों की जरूरत है ताकि वो दी अदर्स से लड़ने के लिए इन बच्चों को ट्रेन करें। ये सारी बातें बताकर डॉक्टर बेन के अंदर एक ट्रैकर इंजेक्ट कर देती है और सेम ऐसा सारे बच्चों के साथ किया जाता है। हम कैसी को देखते हैं जो कि अपने सफर में होती है। फिर वो जंगल से निकल कर रोड पर आ जाती है जहाँ पर उसे कोई गोली मारकर इंजर्ड कर देता है, जिससे कैसी फौरन बेहोश हो जाती है। आर्मी यूनिट में हम देखते हैं कि आर्मी बच्चों को ट्रेन कर रही होती है फिफ्थ वेव से लड़ने के लिए। कैसी को वहाँ से एक इवान नाम का लड़का उठाकर अपने साथ ले जाता है जो कैसी को मेडिसिन वगैरह देता है, और उस लड़के को कैसी का नाम भी पता था, वो इसलिए क्योंकि वो कैसी की डायरी पढ़ चुका था। फिर कैसी उस लड़के यानी इवान से अपनी गन के बारे में पूछती है, जिस पर इवान कहता है कि मैं तुम्हारी गन के बारे में कुछ नहीं जानता, मेरे पास नहीं है वो। इसके बाद कैसी इवान से आर्मी यूनिट का एड्रेस पूछती है और वो ये कहती है कि वहाँ मैंने जाना है अपने भाई को बचाने के लिए। आर्मी यूनिट में हम देखते हैं कि कैसी का भाई बहन के ही ग्रुप में होता है। वो सब लोग वहाँ पर बैठे होते हैं कि तभी वहाँ पर डॉक्टर एक लड़की को लेकर आती है और उस लड़की को बहन की टीम में शामिल कर देती है, क्योंकि वो लड़की एक काफी अच्छी शूटर थी। कैसी देखती है कि इवान काम में बिजी है, इसीलिए वो उस घर को एक्सप्लोर करने के लिए इवान के रूम में जाती है और वहाँ पर कैसी को अपनी गन मिल जाती है और इस वजह से कैसी डर जाती है। और फिर वो वहाँ से भाग ही रही होती है कि तभी इवान आकर उसे पकड़ लेता है। कैसी को इवान पर डाउट होता है कि शायद ये मुझे मार देगा, लेकिन असल में वो कैसी को दी अदर से प्रोटेक्ट कर रहा था। फिर इवान कैसी को घर ले आता है और उसे बताता है कि मैंने तुम्हारी गन इसीलिए छुपाई थी कि मुझे डर था कि कहीं तुम मुझे शूट करके ना मार।
डालो। और वो ये भी कहता है कि शाम को मैं खुद तुम्हें आर्मी यूनिट ले जाऊंगा। फिर वो लोग आर्मी यूनिट के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में इवान कैसी को ट्रेन भी करता है कि कैसे खुद को प्रोटेक्ट किया जाएगा। कर्नल बेन को कहता है कि मैं तुम्हें अपनी आर्मी के साथ एक मिशन पर भेज रहा हूं। और वो बेन को एक हेलमेट भी दिखाता है और बताता है कि ये हेलमेट स्पेशल दी अदर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए बनाया गया है और वो सारे लोग इस हेलमेट को पहनेंगे और जब दी अदर्स इनके सामने आएंगे तो लाइट ग्रीन हो जाएगी। हम देखते हैं कि कैसी और इवान एक दूसरे के साथ घुल मिल गए थे जबकि बेन को आर्मी के बजाय बच्चों की टीम के साथ भेज दिया जाता है मिशन के लिए। लेकिन बेन कैसी के भाई को वहीं पर छोड़ जाता है क्योंकि कैसी का भाई एज में काफी छोटा था। फिर वो लोग अपने टारगेट पर पहुंच जाते हैं और वो देखते हैं कि दी अदर्स हेलमेट की मदद से सच में ग्रीन नजर आ रहे हैं और यहाँ पर बच्चों और दी अदर्स की जबरदस्त फाइट होती है। इसी लड़ाई में एक बच्चे की मौत भी हो जाती है। दी अदर्स को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वो शूटर एक बस को ब्लास्ट कर देती है जबकि बाकी लोग एक जगह पर जाकर छुप जाते हैं। फिर वो शूटर जब अपनी टीम के पास पहुंचती है तो वो अपना ट्रैकर निकाल देती है जिससे अचानक वो भी सबको ग्रीन नजर आ रही थी। ये देखकर बेन को सारी बात समझ आ जाती है और वो भी अपना ट्रैकर निकाल देता है। ट्रैकर निकालने पर वो भी सबको ग्रीन ही नजर आ रहा था और बेन यहाँ पर आर्मी की सारी चाल समझ चुका था। वो सबको समझाने की कोशिश करता है कि ये हमारे लिए एक ट्रैप है जिसमें दी अदर्स हमें फंसाना चाह रहे हैं और फिफ्थ वेव कोई और नहीं बल्कि हम बच्चे हैं और हमारा इस्तेमाल दी अदर्स कर रहे हैं बचे हुए इंसानों को मारने के लिए और इसीलिए उन्होंने ट्रेनिंग देने के लिए बच्चों को ही चुना क्योंकि बड़ों की निस्बत बच्चों को चेंज करना आसान है। ये बात सुनकर सारे लोग अपने अपने ट्रैकर्स रिमूव कर देते हैं और अब बेन को कैसी के भाई की फिक्र हो रही थी और वो सब बच्चों को कहता है कि जल्दी से यहाँ से भाग जाओ और वो खुद को भी उस शूटर से शूट करवा लेता है ताकि आर्मी को उस पर शक ना हो और वो डिसाइड करता है कि वो कैसी के भाई को बचाने के लिए वापस जाएगा। इसके बाद हम कैसी को देखते हैं जहाँ पर दी अदर्स उन लोगों पर अटैक कर देते हैं लेकिन इवान कैसी को दी अदर्स से बचा लेता है और यहाँ पर कैसी को पता चल जाता है कि इवान कोई इंसान नहीं है बल्कि वो भी दी अदर्स में से एक है। और यहाँ पर इवान कैसी के सामने खुद को रिवील करता है। वो कैसी को बताता है कि ये कोई पहली मर्तबा नहीं हुआ कि जब वो एलियंस यानी दी अदर्स जमीन पर आए। वो बताता है कि वो जैसे एलियंस पहले भी इस दुनिया में आ चुके हैं। इवान कहता है कि एलियंस का मानना ये है कि लव सिर्फ एक फीलिंग है और कुछ भी नहीं। वो कहता है कि पहले मैं भी ऐसा ही सोचता था लेकिन जब मैंने तुम्हें देखा तो मेरे अंदर की इंसानियत जाग गई और यही वजह थी कि उसने अभी तक कैसी को नहीं मारा, उसे जिंदा रखा और मैं तुम्हें गैस स्टेशन से ही फॉलो कर रहा हूं। और फॉलो करने के साथ साथ मैं तुम्हें प्रोटेक्ट भी कर रहा हूं। लेकिन कैसी उसकी एक नहीं सुनती और अकेली ही आगे बढ़ जाती है। जाते जाते इवान कैसी को एक इंपॉर्टेंट बात बताता है और वो ये कि जो आर्मी यूनिट है वो भी असल में दी अदर्स का ही है जो कि बच्चों को फिफ्थ वेव बनाकर इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सुनकर कैसी आर्मी यूनिट में पहुंच जाती है और तभी वहां पर बेन भी आ जाता है। अब क्योंकि बेन सब कुछ समझ गया था और आर्मी को भी ये बात पता चल चुकी थी इसीलिए बेन को अरेस्ट कर लिया जाता है। फिर कैसी उस डॉक्टर को मार देती है और खुद उसका यूनिफॉर्म पहनकर अपने भाई को ढूंढने के लिए जाती है। बेन भी वहां से निकल कर कैसी के भाई को ढूंढने के लिए चला जाता है लेकिन रास्ते में ही उसे कैसी भी मिल जाती है और अब वो दोनों मिलकर कैसी के भाई के पास जा रहे होते हैं। लेकिन तभी उनके सामने इवान भी आ जाता है। इवान उसे बताता है कि 10 मिनट के बाद इस जगह को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा इसीलिए तुम जल्दी से अपने भाई को ढूंढो और यहां से भाग जाओ। फिर कैसी और बेन मिलकर कैसी के भाई को ढूंढ लेते हैं और वो उस आर्मी यूनिट से बाहर आ जाते हैं जबकि आर्मी बाकी बच्चों को अपने साथ ले जा रही होती है। और फिर जब सारे लोग वहाँ से निकल जाते हैं तो वो जगह डिस्ट्रॉय होने लगती है। तभी उन लोगों को बचाने के लिए बैंड की टीम वहाँ पर आ जाती है। वो उन दिनों को बचा कर वहाँ से ले जाती है। फिर वो लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग न्यू स्टार्ट लेंगे और बाकी बच्चों को बचाएंगे आर्मी से और दी अदर से। और इसी के साथ ही मूवी यहीं पर एंड।